दोस्तों कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटे को मेरा प्यार और आशीर्वाद। और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से, और यहाँ बादल लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो पता नहीं बारिश का मौसम हो रहा है, शायद में होगी शायद बारिश। तो हम ना एल्बम देख रहे थे, मतलब देख रहे थे, क्या देखने जा रही हूँ मैं, तो आपको भी दिखाती हूँ अपनी ननद के साथी का एल्बम। बुआ को दिखाने ले जा रहे हैं तो आपको भी दिखाते हैं। ये देखो बुआ और मम्मी ना आज वो देख रहे हैं एल्बम ननद की शादी का, बुआ ने नहीं देखा था। बुआ जा रही है शाम को, तो बुआ को हमने कहा एल्बम देख लीजिए। देखा आपने कितनी प्यारी लग रही थी मेरी ननद शादी के दिन। अगर ब्लॉग बनाती ना मैं तो देखते आप पहले ही बनाती। जब ये विपिन है मेरी ननद का हस्बैंड, ननद का नाम गीता है। आज ना आपको पूरी फैमिली दिखाऊंगी मैं अपनी। देखो कितना डांस कर रहे हैं हमारे फैमिली वाले, मतलब संगीत। मैं भी हमने ना अपने ननद की शादी देहरादून में करवाई थी, क्योंकि देहरादून में उसका ससुराल है ना, तो वहीं किया हमने शादी, वहीं किया था हमने लॉज बुक, तो वहीं हुई उसकी शादी। देखो कितनी प्यारी लग रही थी ना उसमें भी, कितनी प्यारी लग रही थी महिला संगीत में। ये मेरी सास भी बड़ी अच्छी लग रही थी, और इतनी अच्छी फोटो निकाली है ना सास की, अभी दिखाऊंगी आपको पीछे। ये सास की दोस्त हैं ये सब लोग, यूपी वाले हैं ये सब, देहरादून में रहते हैं, तो मम्मी ने इनको भी इनवाइट किया था, तो ये सब लोग आए थे वहाँ, डांस किया इन्होंने भी, तो बहुत रौनक आई थी। वैसे शादी तो बाहर किया लेकिन बहुत रौनक आई थी। ये देखो हमारी फैमिली है, देवर मेरा मोंटी ना पिंटू, और ये हमारी पूरी फैमिली है। देखो दोनों ना जो उधर हैं वो मम्मी की बहनें हैं, जो उधर है ना वो ये मम्मी की बहनें हैं दो, ये भी मम्मी की बहन है, और ये मम्मी की भाभी है। उमा दी है ये मेरे मायके की हैं, लेकिन ये देहरादूनी में रहती है, तो मम्मी से इनकी मुलाकात हो गई थी जब मम्मी देहरादून में थी ना ITBP में, तो इनके हस्बैंड भी ITBP में है, तो वहीं मुलाकात हो गई थी, तो मम्मी ने इनको भी इनवाइट किया था, तो आए थे। ये भी देखो मेरे मायके की हैं, ये मम्मी की फ्रेंड है सब देहरादून वाली, ये देखो सब ITBP वाले हैं ये, और बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं ना, घुल मिल जाते हैं एकदम। डांस देखते हैं आप, इतना अच्छा डांस किया ना इन्होंने, कभी वीडियो लगाऊंगी ना तो वो भी दिखाऊंगी आपको, जब वो लगाएंगे पेन ड्राइव लगाएंगे ना इसकी। ये देखो मेरी ननद की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारा मेहंदी लगाया था। देखो देखो मैं भी प्यारी प्यारी लग रही थी एक जैसे कपड़े, मैं मेरी ननद ना शादी में भी हमने एक जैसे पहने थे, और महिला संगीत में भी एक जैसा कलर था हमारा। देखो देखो मम्मी डांस देखो कितना कर रही थी, उनकी दोस्तें देखो, ये पीछे से सब फ्रेंड है मम्मी के ITBP वाले। ये जेठ जिठानी है मेरे ननद के, जी ये है ये जेठ जिठानी, ये जेठ है ननद के, ये ससुर हैं तीन, ये मौसी हैं मम्मी की छोटी वाली बहन, और ये बुआ बैठी है, ये मामा जी हैं यहाँ, और वो हमारे छोटे चाचा जी, ब्लॉग में नहीं दिखा पाए शायद मैं, ये छोटे चाचा जी हैं उधर वाले हाँ, ये छोटे चाचा जी हैं, मामा जी हैं, और ये चाचा जी, ये पति देव देखिए कैसे लग रहे हैं धोती पहन के ये देखो अंगूठी, हाँ एंगेजमेंट भी हुई उसमें। अच्छा ये ताऊ जी हैं दूल्हे के, तो उनको अंगूठी चढ़ा रहे थे चाचा जी। ये मेरी ननद हैं, बगल पे रहते हैं ननद, इसका नाम भावना है, चाचा जी की लड़की, और ये मोहित है इसका हस्बैंड। तो ये मेरा ब्लॉग ना रोज देखते हैं, तो इनको इच्छा थी कि मेरे ब्लॉग में अपने को दिखाएं, तो उनको तो नहीं दिखा पाई, उनकी फोटो दिखा देती हूँ मैं बड़े प्यारे हैं दोनों। ये मेरी छोटी चाची देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, और ये बड़ी चाची, और मैं भी लग रही हूँ प्यारी प्यारी। ये हमारी वानी, ये देखो वानी भी अच्छी लग रही है ना, और ये है गुड़िया है, ये बुआ की लड़की है ये, और ये हमारी तन्नू है बड़े चाचा की लड़की, बहुत अच्छी लग रही है। दीदी के हस्बैंड है, और ये मेरी चमेली भी है मामा जी की लड़की, मतलब जो मम्मी के भाई है ना उनकी लड़की है, तो ये उनके हस्बैंड है, ये उनके हस्बैंड है, तो सारे इंतजाम ना मेरे ननद की शादी का इन्होंने ही किया था, सारे काम पूरा इन्होंने ही संभाला था।
बहू की शादी देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया था उन्होंने। तो यहाँ हुई थी शादी, बुलेट दी थी विपिन को, दी थी हमने, तो मम्मी इस पर टीका पिछा कर दी थी शायद ना। ये देखो शादी के दिन मेरे बाबू कितनी प्यारी लग रही थी ये, अरे ये मैं भी लग रही थी देखो एकदम दुल्हन जैसी लग रही थी ना मैं, कमेंट में बताना कितनी प्यारी प्यारी लग रही थी मैं। और ये जमुनिया के हैं सुंदर भी है, ताई जी के जेठानी की लड़की, ए कितनी प्यारी लग रही है भावना, ऐसे भावना है इसका नाम, लेकिन हम घर में ना लल्ली लल्ली कहते हैं इसको प्यार से, उसका नाम हमने लल्ली रखा है। ये देखो कितना कितने खुश थे वहाँ जब गीता की शादी हुई थी ना मेरी ननद की, तो उसके ससुर देखो कितने खुश थे, नाच नाच के ऐसा कर दिया उन्होंने। और हम गेट पे खड़े थे, वो देखो हम पैसे मांग रहे थे, ये देखो ये वाली फोटो कह रही थी कि मम्मी की बहुत प्यारी फोटो निकाली थी, बहुत ही ज्यादा प्यारी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने तो कहा इसके फ्रेम बनवाए एक तो अच्छा लगेगा, ये तो बनाएंगे हम इसका एक फ्रेम। ये है भाई हमारे गीता के सब भाई हैं ये, देखिए मैं और मेरी ननद एक जैसे लग रहे थे ना, क्योंकि जोड़ा ही ऐसा बना था हम लोगों का, मम्मी ने एक जैसे बना दिया दोनों बेटी बहू को, एक जैसे लग रहे थे हम अच्छे अच्छे। हम हैं देखो ये हमारी फैमिली है, मम्मी देवर जी मैं और हस्बैंड जी और बाबू, अम्मा नहीं आ सकी क्योंकि अम्मा को ना बहुत हालत खराब जाती है ना सफर में, तो इसलिए अम्मा हमने घर में रखी थी। जो कमला बुआ चंपा बुआ है ना हमारे, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि देखो एल्बम देख लीजिए शादी का, वैसे तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि नहीं आ पाते हैं घर में, बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इसलिए एल्बम ऐसे ही देख लेंगे। देखो सारे वीडियो में एल्बम दिख गया मेरा, ये हमारे मामा जी और मामी जी, मम सौची को ही उम्मीद, और ये मौसा और मौसी हैं, ये मौसा मौसी भी रोज मेरा ब्लॉग देखते हैं, देख लीजिए मौसा मौसी, ये चमेली दी है, ये ना मामी जी की लड़कियाँ, एक ये है और एक ये है, और दो लड़कियाँ उनकी आ नहीं पाई, हस्बैंड आए थे उनके साथ अटेंड करने के लिए, ये गीता के साथ है। ये है गीता का देवर हमारा, पहले लॉज में हम ठहरे हुए थे, यही हमने कमरे किए थे तो हम यही रहे थे, ये शादी भी यही हुई, जयमाला उधर हुई, ये हमारी गीता की विदाई ले बोली, ये चलेगी वो कार में, ये है कार, फिर वहाँ उसका ये ग्रह प्रवेश हुआ, क्योंकि हमने वो फोटोशूट वाले भी वहीं से किए थे ना, तो उन्होंने सारा वहाँ का भी लिया है, वहीं गए थे, खत्म हुआ एल्बम। जब हमने अपने घर में रखा था ना एक बड़ा वो रखा था हमने, तो दुर्गम टन था लेकिन हमने बहुत बड़ा किया था, क्योंकि हमने घर में किसी को इनवाइट नहीं किया था ना, वो नहीं आ पाए देहरादून, तो हमने घर में ही किया था सारा, हाँ शादी के बाद आए थे ना, चार पाँच दिन बाद किया, अरे हमारे गीता हमने कीर्तन भजन खूब किया, हमने उस दिन भी डांस कीर्तन भजन ने इतना किया कि क्या बताऊँ, अभी मेरे ठुमके देखना आप, ये मम्मी ने रखी है अपने हाथ में गड्डी पैसों की, दीपा को पैसे है ना तो बढ़ रहे थे, महिला संगीत जैसा हुआ मतलब पूरा, तो महिला संगीत में देते हैं ना यहाँ, ये देखो हमारे गीता का डांस कितने प्यारे लगे, ये मम्मी का डांस डांस किया हमने उस दिन भी, ये मेरा डांस, अम्मा नहीं आई थी तो हमने अम्मा को खूब चमका रखा था उस दिन, देखिए एकदम अच्छी लग रही ना हमारी अम्मा, मम्मी और चाची हैं, ये मेरी मम्मी चाची। बाबू का ना उस दिन बर्थडे था, जिस दिन गीता की यहाँ हमने वो रखी थी ना, तो उसके दूसरे दिन था, हाँ उसके दूसरे दिन बाबू का बर्थडे था, देखो हमारे बाबू कितनी प्यारी लग रही थी, एम पिंटू कर देखो तो बड़ी मुश्किल से आया बाबू की शादी, पता नहीं काम में कहाँ व्यस्त था। और ये है हमारे फोटोग्राफर साहब, इन्होंने खींची है सारी फोटो, देखिए कितनी अच्छी फोटो निकाली ना मैंने, जितने भी दिखाए आपको, मामा जी का लड़का है हमारे, मम्मी के भाई का लड़का, तो ये फोटोग्राफर है, अब जमुनिया में मैंने दिखाई भी थी आपको एक ब्लॉग में, गई थी मैं इनके दुकान में,
तो इन्होंने ही खींची है सारी फोटो, बहुत अच्छी फोटो खींचते हैं, बड़े प्यारे पोज निकाले हैं भैया ने। खत्म हो गया एल्बम। हमारी नानी छोटी चाची की मम्मी है, हमारी चाची जी है, तो मम्मी पे ला कर दी उनको, ये देखिए नानी जी है हमारी, ये आइए मामा जी है, छोटी चाची की भाई है ये मामा जी। ये ना दो समदिनियों है, समदिनी और चाची चाय बना ली है उनके लिए। चाची चाय बना रही है ना, दिखाओ, ये चाची चाय बना रही है। अम्मा कह रही ना मैं अपनी समदिनी के जैसी लगूंगी चश्मा पहन के, तो देखो अम्मा चश्मा पहन रही है, कितने अच्छे लग रहे ना दोनों दोनों समदिनिया समदिनी। ये माँ है वो सासू माँ है, देखिए चाची के कितने अच्छे लग रहे ना। लाइक कमेंट जरूर करना, हाँ बताना कैसी लग रही है हमारी फैमिली।